अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रिकॉर्डिंग फॉर योर क्लास ऑफ 30th दिसंबर. दिस इज वेनसडे, सो आई वॉज जस्ट लेट एंड आई जस्ट कुड नॉट टेक योर क्लास इन टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल. सो आई इन द इवनिंग आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर फॉर यू so that you can just benefit from it. और last time हमने जो discuss किया था वो था shunt meter, और उसके बाद कुछ topics थे जो कि मैंने skip कर दिए, and that is just not a kind of numerical type of thing, बस few concepts हैं, you can just go through it on your own. अच्छा, अब आज जो मेरा lecture है that is about the chapter number 6. chapter number 5 we have just skipped. That was and about analog meters, or that was too much electronics in that. So we will be just doing the electronics, inshallah, very soon. But we will just limit our electronics discussion to operational amplifiers, because that is the main component for signal conditioning. Integrated circuit hai, to wo hum karenge. But right now we are just here in chapter number 6. And this is a very, very important chapter from instrumentation point of view, because aajkal ke zamane mein sare hi electronics instruments jo hain wo electronics ho gaye. So how this analog quantity is converted to yes, it is recording. Okay. So how this electronic quantity a voltage or a current is converted to digital quantity so that it can be displayed on a numerical display. So digitization aapko maloom hai kitni zyada ho chuki hai, but the basic concept just remains same. So hum is chapter ko aaj karte hain start. So you can just go through this the points in detail, points you can just read them. So abhi jo hamare paas hai the task at hand is digital representation of an analog quantity. अच्छा, अभी तो थोड़ा सा इशू हुआ है मेरी स्कैनिंग में, सारे पेजेस ये आगे पीछे हो गए हैं स्कैनिंग में. आई डोंट नो कि आई जस्ट ट्राई टू स्कैन इट मल्टीपल टाइम्स, बट पेजेस की सेटिंग मेरे से हो नहीं सकी. तो दिस इज द पेज नंबर 1 एनालॉग क्वांटिटी, एंड आई हैव टू जस्ट फाइंड आउट द पेज नंबर 2 ऑल्सो. Okay, this is the page number 139. So the next page in chapter number 6, this is 139. Okay. Achha. So digital representation of analog quantity. So hame kya karna padta hai? कि इस एक वोल्ट को, कुछ भी वोल्ट हो सकता है, यहाँ पे एक वोल्ट हो, इसको मल्टीपल लेवल्स में इसको चेंज कर देना है. तो इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन. तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि आप एक वोल्ट को जब आप इसको मल्टीपल लेवल्स में चेंज कर देंगे, यानी कितने आप इसको लेवल्स में चेंज करेंगे, तो कोई ना कोई एरर तो इसके अंदर आएगा ना. कि अगर आप इसको लेट से कि 5 लेवल में इसको 16 लेवल में चेंज कर देते हैं, 10 लेवल में चेंज कर देते हैं, तो एक लेवल कितने का होगा? 0.1 वोल्ट का. तो व्हाट अबाउट द 0.05 वोल्टेज, 0.08 वोल्टेजेस? 0.08 जो कन्वर्ट होगा वो होगा 0.1 में, 0.08 वोल्टेज होगा वो 1 वोल्ट में कन्वर्ट होगा. तो व्हाट इज दिस द डिफरेंस? डिफरेंस कहाँ गया? कि 0.8 वोल्टेज था, 0.08 था, लेकिन आपने इसको रिप्रेजेंट किया क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 लेवल्स थे, तो आपने इसको 0.1 में चेंज किया. तो ये जो एरर है 0.08 से लेकर 0.1 तक, 0.02 का एरर है ये. तो दिस एरर इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन एरर. तो व्हेन एवर यू जस्ट कन्वर्ट एन एनालॉग क्वांटिटी टू अ डिजिटल नंबर, तो देयर इज क्वांटाइजेशन एरर. दिस इज द क्वांटाइजेशन एरर यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे दिस 1 वोल्ट इज डिवाइडेड इनटू 1000 मिली वोल्ट्स,
तो यहाँ पे इसको 1000 डिस्क्रीट लेवल्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो जो एक वोल्टेज होगा, एक लेवल होगा वो होगा पॉइंट पॉइंट एक लेवल वोल्टेज होगा 1 मिली वोल्ट का। एक वोल्ट को आपने 1000 वोल्ट लेवल्स में चेंज किया है, कन्वर्ट किया है, तो 1 लेवल विल बी कंसिडर्ड एज 1 मिली वोल्ट। एक एक में 1000 तो 1 मिली वोल्ट, सही है। सो द रेजोल्यूशन इज कॉल्ड 1 मिली वोल्ट। अब द प्रिसिशन ऑफ ईच लेवल इज 0.5 वोल्ट। किसी भी लेवल पे आपको ये नहीं पता होगा कि जो आपने 1 मिली वोल्ट को कन्वर्ट किया है तो इसके अंदर एरर कितना है। हो सकता है एरर, मैक्सिमम जो एरर हो सकता है ना, वो हो सकता है 0.5 मिली वोल्ट का, 0.5 मिली वोल्ट का। हो सकता है 0.6 वोल्टेज हो और आपने इसको कन्वर्ट कर दिया 1 मिली वोल्ट में, तो आपके पास एरर आ गया 0.6 से लेकर 1 मिली वोल्ट, तो 4.4 मिली वोल्ट का एरर आ गया। इसी तरीके से एरर माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। 1.4 वोल्ट है, आपने इसको कन्वर्ट किया 1 मिली वोल्ट में, तो एरर हो गया नेगेटिव। और अगर आपके पास 0.6 वोल्ट था, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया 1 मिली वोल्ट में, तो एरर हो गया पॉजिटिव, सही है। सो इन द सेम वे दिस इज जस्ट मेंशनड हियर। सो व्हाट वी डू इज वी कन्वर्ट एन एनालॉग क्वांटिटी टू डिजिटल क्वांटिटीज, और इसके जो आउटपुट्स होते हैं वो नंबर ऑफ बाइनरी नंबर्स में होते हैं। तो हाउ मेनी आउटपुट्स आर देयर इन दिस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर? D1, D2, D3, D4, D5, पांच आउटपुट्स हैं। तो फर्स्ट आउटपुट आमतौर पर D0 कहलाती है और लास्ट आउटपुट इज D4 कहलाती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सबस्क्रिप्ट जो है 1 से स्टार्ट किया, आमतौर पर 0 से स्टार्ट होते हैं। एनीवे नो प्रॉब्लम। तो दिस नंबर विल बी कन्वर्टेड इन टू अ बाइनरी नंबर। तो एनलॉग से डिजिटल कन्वर्जन में एनलॉग वोल्टेज, अगर आपके पास 7 ये जो लेवल्स हैं, अगर आपके पास 3 बिट्स हैं, तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन यू कैन हैव 2 रेशो 3? 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो द मैक्सिमम वोल्टेज 8, जो आप इसको डिजिटाइज करेंगे तो जो लास्ट नंबर होगा वो 7 वोल्टेज ही होगा। 1111 जो जिसको रिप्रेजेंट करेगा वो 7 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 0 भी आपने इसको भी आपने कोड करना होता है। तो जो पहला वो लेवल होगा वो 1 वोल्ट का होगा, सही है। तो इसका रेजोल्यूशन जो है 1 मिली वोल्ट की है, 1 वोल्ट की है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज, आई विल हैव टू जस्ट सर्च द नेक्स्ट पेज सो दैट वी कैन जस्ट गो। अच्छा, थोड़ा सा आपको मैं एक न्यूमेरिकल भी जो है मैंने सॉल्व तो किया था, लेकिन इसकी स्नैपशॉट नहीं लिए। सो आई विल जस्ट मेंशन फ्यू थिंग्स। LSB, दिस इज द नेक्स्ट पेज, 140, 139 के बाद LSB। LSB इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड MSB इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो LSB की जो रेजोल्यूशन होगी, जो LSB जो रिप्रेजेंट करेगी इस केस के अंदर, लेट्स से कि देयर आर 1 वोल्ट, यहाँ पे ये 1 वोल्ट है और आपके 5 लेवल्स हैं, 5 आपके बिट्स हैं, तो 2 रेशो 5 से डिवाइड करेंगे तो LSB जो रिप्रेजेंट करेगी वो होगी मैक्सिमम वोल्टेजेस 1 वोल्ट डिवाइड बाई 2 रेशो 5। तो ये आपके पास 1 बिट का, ये 1 बिट का होगा। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, जो फुल स्केल होगा दैट विल बी द वी मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। फुल स्केल, फुल स्केल नहीं, फुल स्केल तो मैक्सिमम वोल्टेजेस होंगे, मैक्सिमम वोल्टेजेस, और इसके अंदर से मैक्सिमम वोल्टेज माइनस 1 LSB। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज था 1 वोल्ट ये, और मैक्सिमम वोल्टेजेस वॉज 1 वोल्ट माइनस LSB, तो LSB 31.25, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो मैक्सिमम वो जो वोल्टेज आएगा ना, जो आप इसको डिजिटाइज कर सकें, 9.688 होगा। हालांकि आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज इज 1, लेकिन आप 1 वोल्ट को इन 5 बिट में रहते हुए डिजिटाइज नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है कि लेट्स से जो आम सिनेरियो होता है आर्डिनो के केस में, आप 5 वोल्ट को डिजिटाइज करते हैं यूजिंग द 10 बिट एनालॉग टू डिजिटल ADC विच इज प्रेजेंट इन द आर्डिनो बोर्ड, तो आपके पास 5 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज होता है, लेकिन
एग्जैक्ट 5 वोल्ट आ जाएगा तो दैट यू विल नॉट बी एबल टू डिजिटाइज, यू विल ऑलवेज बी एबल टू डिजिटाइज 1 बिट लेसर देन द मैक्सिमम वोल्टेजेस। ये बात याद रखने की है क्योंकि फॉर्मूला आपके पास ये वाला है, ठीक है। अच्छा ये हाफ बिट का, ये वाला तो फॉर्मूला जो है ना, सॉरी ये वाला तो मैंने आपको फॉर्मूला ये वाला बता दिया, ये हाफ बिट का, हाफ ये है इसका फॉर्मूला एमएसबी का। एमएसबी का मतलब क्या होता है, नॉट मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है यहाँ पे, सारे वन नहीं, 5 बिट में सारे वन नहीं, बल्कि 5 बिट में सिर्फ ये वन और बाकी ये सारे जीरो, दिस इज कॉल्ड जस्ट द एमएसबी। अगर एक वन ये वाला मौजूद हो बाकी सारे जीरो तो ये तो एलएसबी की हो गई, तो वो तो होता है मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई द 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ बिट्स। लेकिन एमएसबी क्या होता है, एमएसबी इज जस्ट वी मैक्सिमम डिवाइड बाई टू, या ये कि अगर 5 बिट था तो यहाँ पे आप 2 ले लेंगे, एन माइनस वन की जगह पे 2 आ जाएगा, 5 बिट था तो 4 ले लेंगे, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4 तो 16 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई दिस 31.25, तो ये आ जाएगा। तो ये होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। अच्छा अब मुझे जो पेज नंबर चाहिए, सॉरी फॉर दिस डिस्ट्रैक्शन, बट आप लोगों ने पूरी किताब भी स्कैन की है, वी विल जस्ट टेल मी हाउ वी कैन जस्ट हैव कंटिन्यूस। कुछ अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि पेज को सारा आगे पीछे कर रहा है, हालांकि मोबाइल में जब मैं स्कैन कर रहा हूँ ना तो ये पेजेस को आगे पीछे नहीं दिखा रहा हूँ, वहाँ पे बिल्कुल सही 1 नंबर और 2 नंबर बिल्कुल सही दिखा रहा है कैम स्कैनर के अंदर, बट हियर व्हेन आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग दैट फाइल टू माय कंप्यूटर तो यहाँ पे सारे पेजेस ही आउट आ रहे हैं, एंड देयर इज जस्ट नो वे। मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे इसको सीक्वेंस को सही करें, बट आई होप दैट समवन ऑफ यू विल जस्ट गाइड मी, या फिर मैं किसी और से भी यहाँ पे मदद लेता हूँ, बिकॉज पीपल आर जस्ट यूजिंग कैम स्कैनर वेरी फ्रिक्वेंटली। सर बिलाल हैं, ही इज़ वेरी गुड इन कंप्यूटर्स एंड कैम स्कैनर पर्टिकुलरली, सो मैं इनको फोन करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आ रही है। एनीवे ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी सी जो है बेसिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एंड गेट है तो इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई यूजिंग दिस अरेंजमेंट ऑफ डायोड। अब एंड गेट की जो खासियत ये होती है कि इफ एनी वन इज जीरो, एनी वन बिट इज जीरो द आउटपुट इज जीरो, तो अगर यहाँ पे कोई बिट भी जीरो हो जाएगी तो ये एक यहाँ पर जीरो आ गया तो डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बाइस्ड। ये क्यों यहाँ से पुल अप किया हुआ है, तो फॉरवर्ड बाइस्ड होने जाएगा, जीरो यहाँ से पास हो जाएगा देन आउटपुट विल बिकम जीरो, लेकिन अगर यहाँ पे वन हुआ तो द डायोड विल जस्ट रिमेन इन रिवर्स बाइस्ड। अगर सारे वन हुए तो सारे रिवर्स बाइस्ड लेंगे और यहाँ पे वन आ जाएगा तो वन 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 पे आंसर इज वन, बट अगर एक भी जीरो हुआ तो ये डायोड इसको कर देगा, यहाँ पे आउटपुट को जीरो कर देगा, और दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड गेट। और गेट के अंदर इसको उल्टा कर दिया, कोई एक भी वन आ जाएगा तो यह एक डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और इसकी मदद से यहाँ पर वन आ जाएगा, तो ये और गेट की इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अच्छा 142 के बाद मुझे पेज नंबर चाहिए 146। अच्छा तो बेसिक लॉजिक गेट्स ये था 146, 141। अच्छा ये सॉल्व एग्जांपल है, इसको मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसके स्कैन करके मैं तस्वीर डाल दूंगा आपको, दैट इज़ वेरी इजी मीन्स, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, प्लीज़ होल्ड ऑन, ये थोड़ा सा ऐसा इशू है मेरे पास कि मुझे गूगल मीट के अंदर रिकॉर्डिंग स्टॉप पॉज करना नहीं आती, सो दैट आई कैन गेट टेक अ गैप एंड देन आई जस्ट रेफर माई बुक कि वॉट इज माई नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ टीचिंग जो मुझे करनी है। एनी वे सो दिस वॉज जस्ट द बेसिक गेट्स एंड देन आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस डिजिटल डिस्प्लेज, वॉट आर द डिजिटल डिस्प्लेज अवेलेबल, ये मुझे डिस्कस करना है डिजिटल डिस्प्लेज, एंड दिस इज ऑन पेज 147। अच्छा सारे पेजेस मैंने स्कैन भी नहीं किए, मैं सिर्फ वो पेजेस जिसके में से मुझे कुछ डिस्कस करना था वो स्कैन किए। अच्छा ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये इसका इंटरनल डायग्राम होता है और ये दो किस्म के होते हैं, कॉमन एनोड भी होता है, कॉमन कैथोड भी होता है, तो दिस इज कॉमन एनोड बिकॉज इसके सारे एनोड कॉमन है और इन सेगमेंट्स के नाम होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप ए बी सी टी ई एफ जी, और यहाँ पे एलईडीज को भी यहाँ पे इसी तरीके से मेंशन किया हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड 3.5 डिजिट डिस्प्ले, थ्री एंड हाफ डिजिट डिस्प्ले। ये घड़ी के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली 12 का ऑप्शन, सिर्फ यहाँ पे 1 से ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। अगर आप 12 आवर फॉर्मेट के अंदर अगर घड़ी लगा रहे हैं तो 3.5 डिजिट इज इनफ। अच्छा दिस इज कॉल्ड 7 सेगमेंट डिस्प्ले,
और 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी जो है एक वक्त तक दुनिया में रहे और एलईडी भी रहे। पहले ज़माने का जो कैलकुलेटर मैंने पहला इस्तेमाल किया दैट वाज बेस्ड एलईडी डिस्प्लेस, उसकी जो थी नॉट एग्जैक्टली एलईडी लेकिन उसका लुक एलईडी था, लेकिन वो बहरहाल गैस डिस्प्ले था एंड इट वाज सो पावर हंग्री। तो एलईडी भी कम नहीं है, एलईडी का जो कम से कम मिली करंट होता है वो होता है 15 मिली एम्पियर। तो यू जस्ट कैन सी कि इफ वन यू आर जस्ट ग्लोइंग ऑल द डिजिट्स तो हाउ मच करंट इट विल जस्ट टेक। इसके अंदर 7 हैं तो 15 मिली एम्पियर को 7 से मल्टीप्लाई करें, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 105, 105, 105, 15 मल्टीप्लाई बाय 96 इज 90, 6 इज 90 एंड 7 इज 105, यस 105 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे लेगा, फिर ये तीनों 3 से मल्टीप्लाई, फिर ये 2 सेगमेंट्स और भी हैं, 15 15 30 से और भी ऐड करना पड़ेगा। तो काफ़ी हैवी करंट इसमें से गुजरेगा, कम से कम इसको जो है 320 320 मिली एम्पियर चाहिए, 10 105 105 105, 315 इसके हो गए और 30 हो गए, 345 मिली एम्पियर करंट चाहिए इसको पूरे को जलने के लिए। तो इसके मुकाबले में बिकॉज दीज आर वेरी पावर हंग्री, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस में क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस इसके अंदर तो लाइट एमिट होती है, बट दिस काइंड ऑफ डिस्प्लेस जस्ट जस्ट डज नॉट एमिट एनी लाइट एट ऑल, ये सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसको चलने के लिए एसी वोल्टेजेस चाहिए होते हैं, एक इसके कॉमन पे यहाँ पे, इसी तरीके से इसका भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का भी ऐसा भी समझ होता है, लेकिन एलईडी नहीं होगी डेफिनेटली वहाँ पे, ये सारे लिक्विड क्रिस्टल्स होंगे यहाँ पे, और इधर एसी चाहिएगा इसको, ये इसकी खासियत है, डीसी से नहीं चलता ये। तो बैक प्लेन पे एसी चाहिए होता है इसको। द एलसीडी सेल टर्मिनल्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज एथोड, सो द कॉमन टर्मिनल इज रिफर्ड टू एज द बैक प्लेन। अच्छा बैक प्लेन ये जो है ना, ये जो टर्मिनल्स हैं इसको, सो द कॉमन टर्मिनल, ये कॉमन टर्मिनल जो है इसको बैक प्लेन के तौर पे, क्योंकि एनोड कैथोड तो उसमें होते नहीं है। द स्क्वायर वेव इज अप्लाइड टू द बैक प्लेन। तो यहाँ पे जो एसी चाहिए होती है साइन वेव या स्क्वायर वेव, वो बैक प्लेन पे अलाउ की जाती है, दिस इज द बैक प्लेन। एनीवे दिस इज अ न्यूमेरिकल अबाउट द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये 15 मिली एम्पियर कम से कम करंट लेगा, 105 हो गया और 32 के बाकी हो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये 345 हो गया, और ये प्लस 2 और 60 और भी, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 45 मिली 45 मिली एम्पियर। और एलसीडी के अंदर क्या हुआ, एलसीडी के अंदर करंट की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, और एलसीडी टिपिकल करंट रिक्वायरमेंट इज 10 माइक्रो एम्पियर, तो द टोटल करंट जस्ट बिकम्स 230 माइक्रो एम्पियर्स, सो विच इज मच लेसर देन द एलईडी। एलईडी एमिट करती है, ये एलईडी एमिट नहीं करते है। अच्छा अब डिजिटल काउंटिंग काउंटर्स बन सकते हैं यूजिंग दीज फ्लिप फ्लॉप्स, और ये कैस्केडेड है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसको बहुत डिटेल से किया हुआ होगा, अपने काउंटर्स को याद कीजिएगा, अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, याद नहीं है अगर आपको काउंटर्स तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम जो है इसको इसके डिटेल में नहीं जा रहे, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कैस्केडेड कॉन्फिगेशन है ये फ्लिप फ्लॉप्स की, और ये आपको रिपल काउंटर देती हैं। रिपल काउंटर का मतलब ये है कि ये अपनी आउटपुट पे अगर आप इसको यहाँ से पल्स देंगे, यहाँ से इस तरह की पल्स ट्रिगरिंग इनपुट देंगे, तो इट विल जस्ट प्रोसीड इन अ वे ऑफ दिस सीक्वेंस। पहले सब पे आउटपुट पे क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी पर 0 0 होगा, एंड देन इट विल जस्ट बिकम क्यू ए बिकम्स 1, एंड देन ये पूरा नंबर चल रहा है, बाइनरी नंबर फॉर्मेट में ये चल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डिकेड काउंटर। अच्छा अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक बात, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन। एलईडी का मैंने बताया, अच्छा एलईडी डिस्प्ले के अंदर मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ आपको कि व्हाट देर आर टू टाइप्स ऑफ एलईडी डिस्प्लेस। देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर कोई भी अगर आप इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो डिस्प्ले बहुत जरूरी पार्ट है, कोई क्योंकि कोई कोई तो रीड आउट चाहिए ना, तो कौन कौन से रीड आउट पॉसिबल हैं ये देखें। 7 सेगमेंट की एलईडी हो सकती है, एलसीडी हो सकती है, आजकल की तरह की बड़ी हाई फाई किस्म की स्क्रीन हो सकती है जो कि मल्टी कलर की हो गई, और जिस तरह के आपके आजकल के डिवाइसेस अवेलेबल हैं उसके अंदर तो मोबाइल स्क्रीन भी हो सकती है।
कंप्यूटर मॉनिटर हो सकता है, इसके अलावा प्रिंटर हो सकता है, या इस तरह का जो रेक्टर स्केल के ऊपर चार्ट होता है, जो पेपर चलता रहता है, इस तरह का कोई डिस्प्ले अवेलेबल हो सकता है, अगर इसका रिकॉर्ड भी रखना है आपको प्रीवियस डेटा का, लॉगर की टाइप से, तो सारी किस्म के डिस्प्ले हो सकते हैं। लेकिन अब दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, उसके अंदर द डिजिटाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड सो मच कि अब तो हर चीज़ ही जो है ना बहुत ही हाईफाई किस्म के जो है आपके डिस्प्लेज होते हैं, एलईडी वाले मोबाइल टाइम स्क्रीन के डिस्प्लेज, उस तरीके का आ रहे हैं। और लॉगर्स भी ख़त्म हो गए हैं, पेपर चार्ट टाइप के, अब वहाँ पे कोई पेपर पे रिकॉर्ड नहीं रखता है, एवरीथिंग इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवरीथिंग इज़ इन मेमरी। आपको 50 साल का भी डेटा अगर कहीं स्टोर करना है तो द आंसर इज़ मेमरी। अगर कागज़ पे स्टोर करेंगे तो डेफिनेटली कागज़ अपनी लाइफ एक रखता है, और उसके बाद चीज़ें उसकी इंक भी जो है ख़त्म होना शुरू हो जाती है, बहुत लाइफ कम होती है। और इस तरह का डेटा 50 साल तक का आपको सिंगल क्लिक पर जो आएगा वो लॉगर से आएगा। तो दीज काइंड ऑफ लॉगर्स आर वेरी इजीली अवेलेबल इन मार्केट, और बड़े जनरल पर्पज़ होते हैं ये लॉगर्स। आप किसी भी चीज़ को, आप जिसको बहुत कॉन्फिगरेबल होते हैं, किसी भी चीज़ को आपने मॉनिटर करना है वोल्टेज को या करंट के, तो वो डेटा आपका वो लॉक करते रहते हैं। एंड दे हैव द नंबर ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल फॉर RS-485 भी होता है, RS-232 भी होता है, और ये सारे डेटा को भी वहाँ से इन इन लॉगर्स के अंदर ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ये मतलब ये कि आपकी सेंसिंग डिवाइस कहीं और है और वो डेटा भेज रही है आपको लॉगर को ऑन अ नेटवर्क, तो ये नेटवर्क पे दूर कहीं कंट्रोलिंग रूम में लॉगर लगा हुआ होगा, जो कि आपके जो एक्चुअल साइट पे जो कुछ डेटा होगा उससे कनेक्टेड होगा थ्रू अ नेटवर्क। नेटवर्क जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से होते हैं, RS-485 भी हो सकता है, लैन भी हो सकता है, प्रॉफी बस भी हो सकता है, और देयर आर नंबर ऑफ बस नेटवर्क अवेलेबल। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन कैसे होती है? देखें, यहाँ पे अगर काउंटर जो लगाया आपने, यहाँ पे ये जो पल्स आएगी ना, ये इसको सेट करेगी। तो एक फ्लिप फ्लॉप हमेशा आपकी इनपुट क्लॉक पल्स को 2 से डिवाइड कर देगा। एक काम तो ये करेगा कि इनपुट फ्रिक्वेंसी अगर आपने 10 दी है तो आउटपुट में हमेशा हाफ आएगी, 5 आएगी, एक बात। और दूसरा ये कि इसकी एक और एक फ्रीक्वेंसी डिवीजन की एक और खासियत है कि अगर लेट से कि ये जो वेव है ये सिमेट्रिक नहीं है, बहुत थोड़े टाइम के लिए ऑन है ये, ऑफ है, और बाकी टाइम के लिए बिल्कुल दूसरा है, यानी अगर ये ऑफ संडे समझे तो ये ऑन है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ऑन टाइम एंड द ऑफ टाइम इज नॉट सिमेट्रिक। तो अगर आप इसको एक फ्लिप काउंटर से, फ्लिप फ्लॉप से गुजार देंगे, और तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी हाफ हो जाएगी, लेकिन एक और फायदा भी हासिल होगा, और वो क्या है कि इसका ड्यूटी साइकिल द ऑन टाइम एंड द ऑफ टाइम विल बिकम जस्ट इक्वल, ये इसका डिवाइडर की खासियत होती है। तो अगर आपको सिमेट्रिक वेव चाहिए हो और आपके पास स्क्वायर वेव सिमेट्रिक ना हो, ऑन टाइम ऑफ टाइम बराबर ना हो, तो आप एक फ्लिप फ्लॉप से गुजार दें तो आपके ड्यूटी साइकिल 50 हो जाएगा। और आपको पता है ड्यूटी साइकिल क्या होता है? ड्यूटी साइकिल इज ऑन टाइम डिवाइड बाय द टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100, ये ड्यूटी साइकिल होता है। तो दिस वाज द लास्ट चैप्टर और ऑफ दिस वाज बेसिकली अ टॉपिक ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, एंड नेक्स्ट वी विल डूइंग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, और इसके अंदर हम मजीद डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में इंशाल्लाह। सो होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू, आई एम जस्ट हैंगिंग इट नाउ।